लेकिन राधिका खेरा जी, सुप्रीम कोर्ट और उनके जजेस और उन पर सवाल कांग्रेस पार्टी भी उठाती रही है, चुनाव आयोग को तो खरी खोटी सुना ही रहे हैं, अब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ किस तरह की निगाहें हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी की? क्या उसका जो भी फैसला आता है वो मंजूर होगा? स्टे लगाने से फिलहाल कोर्ट ने इनकार किया है राधिका जी। अंजना जी, बहुत दुख की बात है कि जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आज उसकी ये हालत हो गई है कि इलेक्शन कमीशन जो हमारे देश का है वो सिर्फ सरकार की कठपुतली बन के रह गया है। आज ये शिवसेना के साथ हो रहा है, कल किसी और पार्टी के साथ होगा, लेकिन ये जो पार्टी सत्ता में अभी बैठी हुई है ये बार बार ये भूल जाती है कि सत्ता की जो सीट है और जो इनकी कुर्सी है ये परमानेंट नहीं है। आज ये है, कल कोई और आएगा, और ये एक बहुत बुरा प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं आने वाली सरकारों के लिए। क्या सरकारों को देश के हित के लिए काम करना है कि बाकी पार्टियों को और लोकतंत्र को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम करना है? हमारे देश में बहुत गंभीर समस्या है जिसपे हमारी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन उनका ध्यान कहाँ जा रहा है? कभी MLA खरीदने पर, कभी दूसरी पार्टियों को खत्म करने पर। इतनी दुश्मनी, इतना बदलापन आ गया है हमारी सरकार के अंदर कि क्योंकि उनकी सरकार नहीं बन पाई और शिवसेना उनसे अलग हो गई, तो आज अब उन शिवसेना को खत्म करने चलेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है कि कल को ये चीज उनके साथ भी होगी, क्योंकि एक बहुत गलत, जैसे मैंने कहा, प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? क्या देश के लोग इसीलिए वोट देते हैं कि बाद में आके कोई सरकार आए और ऐसे इस तरीके से तानाशाही तरीके से काम करे? आप बार बार कांग्रेस पे ये सवाल उठाते थे कि हमने इमरजेंसी लगा दी, पर ये तो इमरजेंसी से भी बदतर सिचुएशन हो रखी है। लेकिन ऐसा राधिका जी, एक सवाल आपसे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में पूछती हूँ। ऐसा तो है नहीं कि कोई पार्टी पहली बार टूटी है, एकनाथ शिंदे ने किया या बीजेपी ने किया? आपकी पार्टी से निकल निकल कर शरद पवार बने, ममता बनर्जी बनी, अनेकों ऐसे नेता अगर आप देखें तो 6-7 दशकों में कांग्रेस पार्टी से अलग हुए, अपनी पार्टी सब मोदी करा रहे थे। नहीं, बिल्कुल सही बात है, अलग हुई, पर क्या कल को कहीं पे किसी स्टेट में पार्टी टूट के जाएगी बीजेपी की तो पूरी बीजेपी इलेक्शन कमीशन उनको दे देगी? अगर कहीं पे कल को अगर नाराज हो गए असम के जो मुख्यमंत्री हैं, जो पहले भी फोन ऑफ कर दिए थे जब सरकार उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा था, फिर उन्होंने कर दिया, तो क्या बीजेपी उनको सौंप देंगे? 10th शेड्यूल के अगेंस्ट जाकर आप, चलिए इस बात को कहते हैं कि आप अगर देख रहे कि लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या है, तो आप ये भी तो देखिए कि कितने MLC, कितने राज्यसभा सांसद सारे के सारे उद्धव जी के साथ हैं, और सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा मेजोरिटी में जो संगठन है वो भी उनके साथ है। अगर लेजिस्लेटिव पार्टी के कुछ सदस्य इधर हुए हैं तो क्या पूरी की पूरी इलेक्शन कमीशन उनको पूरी पार्टी सौंप देगी? ठीक है, ऐसी कर लीजिएगा जब हेमंत बिस्व शर्मा को आप नहीं बनाएंगे मुख्यमंत्री। ठीक है, राम कदम जी, मैं आ रही हूँ। ठीक है, आपने जो कहा है उसका जवाब लेते हैं। ओरिजिनल पार्टी ही सौंप देना बागियों को, ये आपकी शह में हो रहा है। मैं लौट रही हूँ आपके पास राम कदम जी, आप ही को जवाब देना है। साहिल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साहिल मुंबई से अपडेट दे रहे हैं। साहिल जल्दी से बजाइए। और बजट सत्र की आप बात कर रहे थे, 3 लाइनों में अगर हमारे दर्शकों को समझाएं कि क्या हो सकता है। 2 सप्ताह का हालांकि वक्त है, 9 मार्च को होना है बजट, अगर मैं सही हूं तो पेश होना है, ऐसे में टाइम है अभी? देखिए, टाइम तो है, लेकिन सबसे पहले जो अभी महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जो कह रहे थे कि सदन के अंदर क्या होगा इसका फैसला मैं करूंगा, कोर्ट मुझे नहीं बता सकता कि मुझे अंदर किसके बारे में क्या फैसला लेना है। लेकिन एक बात साफ है कि शिंदे गुट की तरफ से साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट को कह दिया गया है कि हम कोई भी व्हिप जारी नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि उसका उनका पालन करना पड़ेगा। व्हिप इसमें शायद आदित्य ठाकरे और जो बाकी 14 विधायक है उनके लिए जारी नहीं होगा। लेकिन एक अहम बात आज सुप्रीम कोर्ट पे हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कपिल सिब्बल को कि आपको तुरंत स्टे क्यों चाहिए, क्या आपको कोई प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस या बैंक अकाउंट के बारे में आपको कुछ दिक्कतें हैं? तो उस पर सिब्बल ने कहा कि नहीं, वो पूरी पार्टी टेक ओवर कर रहे हैं, पार्टी के दफ्तर टेक ओवर कर रहे हैं। तो उस पे जस्टिस चंद्रचूड ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में तो वो सारा सब कुछ ले ही चुके हैं, तो अब हम उसको स्टे नहीं लगा सकते जब तक उनके तरफ से कोई इस पर अपनी भूमिका नहीं रखी जाती, इलेक्शन कमीशन और शिंदे गुट की तरफ से, तब तक हम लोग कोई स्टे नहीं लगा सकते, उसके बारे में फैसला नहीं ले सकते। लेकिन जो बीच में आप एक सवाल पूछ रही थी कि आखिरकार ये हुआ कैसे, क्या आर्ग्यूमेंट्स उसको उसके बारे में थे, आपने संजय को भी पूछा था, सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट इसमें इस बात को लेकर है कि जिस आधार पे, सादिक अली जजमेंट के आधार पे इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया है, यहां पर एक ट्रिपल टेस्ट लगाई है कि पार्टी के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स कौन सा गुट ज्यादा तरीके से लगा सकता है, नंबर 2 पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ किसके फेवर में है, और नंबर 3 पार्टी का जीत के आया हुआ विधायक दल या लोकसभा सांसद वो किसके साथ में है। ये ट्रिपल टेस्ट लगाया गया, उसमें से पहला टेस्ट एम्स एंड
जो पार्टी के एम्स हैं उसके बारे में पूछा गया तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोई भी गुट ये हमारा समाधान नहीं कर पाया कि पार्टी के एम्स या उद्दिष्ट जो है वो दोनों में से कोई गुट संभाल रहा है, तो इसके लिए हम उस पर नहीं जाना चाहते। पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन पे इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जो शिवसेना के कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव करके अमेंडमेंट करके पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को जो ओवररीचिंग पावर्स दिए गए थे, वो जो अधिकार दिए गए थे, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने कई सारे लोगों का चयन वहां पर किया हुआ है, इसके वजह से पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है वो भी हम नहीं देखना चाहते। हाँ। और आखिर में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर फैसला लिया है कि पार्टी के विधायक और सांसद किसके फेवर में ज्यादा है। लेकिन उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि सादिकली जजमेंट जब आया था, जब कांग्रेस के बारे में यह फैसला हुआ था, तब सबसे बड़ी बात नहीं थी कि देश में एंटी डिफेक्शन कानून नहीं था। शेड्यूल 10 कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, जिसके तहत अगर पार्टी में विधायक दल में कोई अगर टकराव होता है, पार्टी का विधायक दल टूटता है, तो 2/3 विधायक जिसके साथ में वो किसी और पार्टी में मर्ज होने चाहिए, ये चीज नहीं थी जो 2003 में वाजपेयी सरकार के समय आई थी। इसके लिए सादिकली जजमेंट को शिवसेना के विवाद में लाना ये इलेक्शन कमीशन की गलती है, ये उद्धव ठाकरे ग्रुप का कहना है। एक छोटा सा सवाल है साहिल, सुनेगा नहीं सुनेगा वो हमें 2 हफ्ते के बाद देखना होगा।